ब्रिज रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं टमाटर और खजूर की मीठी चटनी बनाऊंगी। इसके लिए सामग्री इस प्रकार है। टमाटर 6-7 पीस है मीडियम साइज के, जिसको धो लिए हैं हम अच्छी तरह से, और 2 चम्मच ये इमली का प्यूरी है, घी है, खजूर है 1 कटोरी, बीज निकाल के रख लिए हैं 5 फोरन 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच है, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च है, भुना जीरा है, और ये चीनी है, और ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स है जैसे सूखा नारियल, काजू, किशमिश, तेज़पत्ता है 2 लाल मिर्च है बड़े, और नमक स्वाद के अनुसार। आइए हम बनाते हैं टमाटर की चटनी। टमाटर को पहले हम काटेंगे, काट के इसके अंदर का गांठ को निकाल लेंगे, क्योंकि ये जब गलेगा तो इसमें पूरी तरह से गलेगा नहीं, मुंह में आएगा, इसलिए इसको पहले हम काट के हटा लेंगे बीच का हिस्सा। सारे टमाटर मैंने काट लिए हैं। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसको गर्म करेंगे। गर्म हो गया, इसमें घी डालेंगे 1 चम्मच घी। घी की जगह हम रिफाइंड तेल का भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें 5 फोरन डालेंगे। 5 फोरन अच्छा से चटक जाना चाहिए। मेथी दाना अच्छा से जल जाना चाहिए ताकि कच्चा ना रहे। 2 तेज़पत्ता, लाल मिर्च का 1 फोरन डाल देंगे, और अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालकर चलाएंगे। खजूर के साथ इसको हम बनाएंगे। मैंने टमाटर डाल दिया और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे 5 फोरन और तेज़पत्ता मिर्च के साथ ये मिल जाएगा। नमक डाल देंगे, नमक स्वाद के अनुसार डालेंगे ताकि ये गलने में मदद करेगा टमाटर को। खजूर भी साथ साथ डाल देंगे, दोनों साथ साथ ही पकेगा। अगर देसी टमाटर लिए हैं तो हम चीनी का मात्रा ज़्यादा कर देंगे, देसी टमाटर नहीं है तो उतना चीनी नहीं लगेगा, खजूर के साथ कम लगता है। अब इसको ढक्कन हटाएंगे, बीच बीच में चेक करेंगे टमाटर गला कि नहीं। टमाटर थोड़ा सा गल गया है, अब हम चीनी डालेंगे। चीनी का मैं मात्रा बता रही थी कि टमाटर के हिसाब से ही लेंगे चीनी, देसी टमाटर में ज़्यादा लगता है और ये देसी टमाटर नहीं है। और ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे, सूखा नारियल, काजू और किशमिश हैं, और इसमें लाल मिर्च डाल देंगे, काली मिर्च डालेंगे, पाउडर है, अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इसमें हम 1.5 चम्मच पल्प डालेंगे टमाटर का, इमली का, और सबको अच्छे से मिला लेंगे। टमाटर से खट्टा मीठा फ्लेवर आएगा, देसी टमाटर है तो हम नहीं डालेंगे, इमली को अवॉइड करेंगे। अभी भी गल गया, चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया, कलर बहुत अच्छा आ रहा है। खजूर और टमाटर और चीनी का जब गलता है तो बहुत अच्छा कलर आता है। इसको ढककर हम अच्छे से पका देंगे, थोड़ा सा सुखा देंगे, जो चीनी गला है, पानी छोड़ दिया है, उसको हम थोड़ा सा सुखा लेंगे। इसमें जो ड्राई फ्रूट्स डालते हैं वो बहुत टेस्टी लगता है। अब इसमें हम भुना जीरा 1 चम्मच डाल देंगे। जीरा को भून के उसको कूट लिए हैं, भुना जीरा बाद में ही डालेंगे, का फ्लेवर बहुत अच्छा लगेगा। अब हम इसको एक बाउल में सर्व करेंगे। टमाटर में जो ड्राई फ्रूट्स पड़े हैं बहुत टेस्टी लगता है खाने से, उसमें जो नारियल है वो भी अच्छा लगता है, और किसी भी ये डिश के साथ खाया जा सकता है, पूरी, पराठा, रोटी, और इसको स्टोर कर सकते हैं हम फ्रीज में रख के, तो ये खजूर है, ख़राब नहीं होगा ये, और ये तैयार है टमाटर और खजूर की चटनी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।